नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल सेठ जी के पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हमारे वीडियो को दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और चैनल को भी दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। दोस्तों चलो शुरू करते दोस्तों वीडियो को। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया था? दोस्तों डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया था? दोस्तों वाटसन एम क्रिक ने दिया था। दोस्तों भारत का सबसे छोटा ज़िला कौन सा है? दोस्तों भारत का सबसे छोटा ज़िला माही है। दोस्तों कहाँ पड़ता है? दोस्तों पुंडुचेरी में पड़ता है। दोस्तों भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा? दोस्तों भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा? दोस्तों NH 44 है। दोस्तों सतलज नदी किस दर्रे से होकर गुजरती है? दोस्तों सतलज नदी दोस्तों किस दर्रे से होकर गुजरती है? दोस्तों तो दोस्तों सिक्किला दर्रे से होकर गुजरती है। दोस्तों भूड को भोजन कहाँ से मिलता है? दोस्तों भूड को भोजन कहाँ से मिलता है? दोस्तों तय मिलता है दोस्तों प्लेसेंटा से मिलता है। दोस्तों चिकनकारी किस राज्य से संबंधित है? दोस्तों चिकनकारी दोस्तों किस राज्य से संबंधित है? दोस्तों तो दोस्तों उत्तर प्रदेश से संबंधित है। दोस्तों निश्चेतक के लिए किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? दोस्तों निश्चेतक के लिए किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? दोस्तों तो क्लोरोफार्म का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों केचुआ का पालन क्या कहलाता है? दोस्तों केचुए का पालन क्या कहलाता है? दोस्तों तो दोस्तों बर्मी कल्चर कहलाता है। दोस्तों नियमित जनगणना कब शुरू हुई थी? दोस्तों नियमित जनगणना कब शुरू हुई थी? दोस्तों तो दोस्तों 1881 में शुरू हुई थी। दोस्तों किसने शुरू की थी? दोस्तों लॉर्ड रिपन ने शुरू की थी। दोस्तों गांधी जी के गुरु का क्या नाम था? दोस्तों गांधी जी के गुरु का दोस्तों क्या नाम था? दोस्तों तो गोपाल कृष्ण गोखले था। दोस्तों रेलवे के पहले CEO कौन थे? दोस्तों रेलवे के पहले CEO कौन थे? दोस्तों विनोद कुमार थे। दोस्तों भारत का पहला कॉर्बेज कैफे किस राज्य में? दोस्तों भारत का पहला गार्बेज कैफे किस राज्य में दोस्तों है? तो दोस्तों छत्तीसगढ़ में स्थित है। दोस्तों तीन दरवाजा प्रवेश द्वार किस राज्य में स्थित है? दोस्तों यह दोस्तों गुजरात में स्थित है। दोस्तों गुजरात के अहमदाबाद जिले में स्थित है। दोस्तों इसे दोस्तों भद्र का किला भी कहते हैं। दोस्तों खेलों को उद्योग का दर्जा किस राज्य ने दिया है? दोस्तों खेलों को दोस्तों उद्योग का दर्जा किस राज्य ने दिया? दोस्तों तब मिजोरम ने दिया है। दोस्तों भारतीय मूल की महिला जो ब्रिटेन की गृह सचिव है? दोस्तों भारतीय मूल की महिला जो ब्रिटेन की दोस्तों गृह सचिव है कौन है? दोस्तों प्रीति सुशील पटेल है। दोस्तों ये दोस्तों कब बनी थी? दोस्तों या 24 जुलाई 2019 को बनी थी। दोस्तों जलियांवाला बाग कांड, दोस्तों जलियांवाला हत्याकांड कब हुआ था? दोस्तों जलियांवाला बाग हत्याकांड दोस्तों कब हुआ था? दोस्तों तो दोस्तों 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। दोस्तों सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया था? दोस्तों सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया था? दोस्तों तो दोस्तों आइंस्टीन ने दिया था। दोस्तों यूनेस्सी का मुख्यालय कहाँ है? दोस्तों यूनेस्सी का मुख्यालय कहाँ? दोस्तों तो दोस्तों न्यूयॉर्क में स्थित है। दोस्तों प्लासी का युद्ध कब और किसके बीच में हुआ था? दोस्तों प्लासी का युद्ध कब और किसके बीच में हुआ था? दोस्तों तो दोस्तों रावर्ड क्लाविन और नवाब सिराजुद्दीन दौला के बीच में हुआ था। दोस्तों किसके किसके बीच में हुआ था? दोस्तों तो रावर्ड क्लाविन किसके बीच में? दोस्तों रावर्ड क्लाइव और नवाब सिराजुद्दीन दौला के बीच में हुआ था। दोस्तों कब हुआ था? 1757 ईस्वी में हुआ था। दोस्तों भारत का पहला संचार उपग्रह कौन सा था? दोस्तों भारत का पहला संचार उपग्रह दोस्तों कौन सा था? दोस्तों तो एप्पल था। दोस्तों जापानी मुद्रा को क्या कहते हैं? दोस्तों जापानी मुद्रा को दोस्तों क्या कहते हैं? दोस्तों आयन कहते हैं। दोस्तों फादर ऑफ टैक्सोनॉमी किसे कहते हैं? दोस्तों भारत दोस्तों फादर ऑफ टैक्सोनॉमी किसे कहते हैं? दोस्तों किसे दोस्तों कहते हैं? कार्ल लिनियस को कहते हैं। दोस्तों किसे? कार्ल
लीनियस को कहते हैं, क्या कहते हैं दोस्तों, टैक्सोनोमी कहते हैं दोस्तों, इन्हें फादर ऑफ टैक्सोनोमी कहते हैं दोस्तों। संविधान सभा बनाने का विचार सबसे पहले किसने दिया था दोस्तों, तो एम एन रॉय ने दिया था दोस्तों। 2020 का अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया दोस्तों, तो दोस्तों किसे दिया गया दोस्तों है, पॉल आर मिलग्रे को और रॉबर्ट बी विल्सन को दिया गया दोस्तों। किसे, पॉल आर मिलग्रो और रॉबर्ट बी विल्सन को दिया गया दोस्तों। टिहरी बांध किस राज्य में है दोस्तों, टिहरी बांध किस राज्य में है दोस्तों है, तो दोस्तों उत्तराखंड में स्थित है दोस्तों। पांच बार कॉमनवेल्थ गेम का आयोजन किस देश ने किया दोस्तों, पांच बार कॉमनवेल्थ गेम का आयोजन किस देश ने किया दोस्तों, तो ऑस्ट्रेलिया ने किया दोस्तों। संगीत उद्योग में उपलब्धि को पहचानने के लिए कौन सा अवार्ड दिया जाता है दोस्तों, तो दोस्तों मैक्री ग्रेमी अवार्ड दिया जाता है दोस्तों, कौन सा, ग्रेमी अवार्ड दिया जाता है दोस्तों। एनआईयू का फुल फॉर्म क्या दोस्तों, एनआईयू का फुल फॉर्म दोस्तों है नेटवर्क इंटरफेस यूनिट है दोस्तों। मौलिक कर्तव्य को संविधान के किस संशोधन से जोड़ा गया दोस्तों, तो 42वें संशोधन में जोड़ा गया दोस्तों। 42वां संशोधन दोस्तों कब हुआ था दोस्तों, तो 1976 में हुआ था दोस्तों। द्वितीय सदनी शासन व्यवस्था किस राज्य में दोस्तों, तो उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, बिहार, महाराष्ट्र, तेलंगाना राज्य में दोस्तों है दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।